आज का हमारा वीडियो है ओरल सेक्स और उससे संबंधित जो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने का। मैं हूं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा सेक्स एजुकेशन का सीरीज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं ओरल सेक्स पे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओरल सेक्स बहुत सेफ़ है और ये करने से इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट होता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हम सेफ़ हो जाते हैं। तो पहली चीज़, क्या ये सच है? ये सच एकदम नहीं है। हाँ, इसमें ये ज़रूर हम मान सकते हैं कि इन्फेक्शन का रेट या इन्फेक्शन का चांस थोड़ा सा कम होता है, बट आप एब्सोल्युटली सेफ नहीं होते हैं। ओरल सेक्स का मतलब जब आप अपने इंटीमेट पार्टनर को अपने माउथ या टंग से स्टिमुलेट करें तो वो ओरल सेक्स है। तो इसमें दो लोग हो गए, एक जो रिसीविंग एंड पे है और एक जो कि कर रहा है। तो हमेशा ही जो कर रहा है उसको चांस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन होने के। कुछ बीमारियां हैं जो कि बहुत इजीली ट्रांसमिट होती हैं इवन थ्रू ओरल सेक्स, जैसे कि एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर तो कराता ही है, बट मेल्स में भी ओरोफेरेंजियल कैंसर, मतलब थ्रोट का कैंसर करा सकता है, जो कि वो ओरल सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा हर्पीस, गोनोरिया या सिफिलिस जैसे इन्फेक्शन भी ओरल सेक्स से बहुत ईजिली ट्रांसमिट होते हैं। अगर हम एचआईवी की बात करें तो एचआईवी का ट्रांसमिशन ओरल सेक्स के थ्रू जो साइंस में लिखा है वो है लो, मतलब काफ़ी लो ट्रांसमिशन होता है एचआईवी का या उससे रिलेटेड अदर एसटीडीज़ का, जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस का। तो इसलिए हम एज डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को लॉन्ग टर्म पे नहीं जानते हैं या आप स्टेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं या आप अपने पार्टनर का स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो हमेशा ये बेटर है कि आप एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डम या स्पेसिफिकली डेंटल डैम्स जो आते हैं उनको आप यूज़ करें और इन सारी बीमारियों से बचे रहें। होपफुल आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।